कुछ ना देखा। सुनिए चल के, हेलो हेलो सुनिए, हेलो जी, रिसीवर वन मिल रहा था ना, फ्रेम पूरा सीट मिला है ना? हाँ जरा इसको सही कर दीजिए, बाइट होने वाली है, तुरंत बाइट देने आएंगे। हाँ और थोड़ा पी और आगे और इधर आगे इधर आगे नहीं आएगा यार, पीछे पीछे और नहीं आगे नहीं आएगा। सही है सही है, वही रही है, सही है वही रखिए, सही रखिए, बार बार ठीक आगे नहीं आगे नहीं, हम लोग और आ रहे हैं ना, फिर कब आगे बात करेंगे। एक मिनट माइक जिसका वो कॉर्डलेस है वो दो। अरे लीजिए भाई कॉर्डलेस, तुम्हारा तो है यार। अरे ऑडियो आएगा अपना है, बीच में
स्पीकर एक यहाँ रखवा दीजिए, इसका आउटपुट स्पीकर है ना, यहाँ जुड़ा है ना, तो बोले सर वो नहीं कहने, ये जो है ना ये सर
तक गिर जाएगा, महाराज जी जब बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सामने 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 यहाँ हेलो 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 चेक 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 हेलो हेलो
मित्रों बहराइच जनपद के इस महसी विधानसभा क्षेत्र के नदी से सटे हुए इस पूरे क्षेत्र में लगभग पिछले 2 माह से भेड़ियों के आतंक के कारण कुछ जनहानि हुई और कुछ बच्चों को यहां पर भेड़िए ने घायल भी किया। यहां की सूचना के बारे में जब पहली बार यहां के जनप्रतिनिधियों ने मुझे अवगत कराया था तो मैंने प्रशासन को इसके बारे में एक अभियान चलाने के लिए तत्काल निर्देश दिया था। इसके उपरांत वन मंत्री को और वन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी अतिरिक्त टीम के साथ यहां पे भेजा गया था। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की दृष्टि से संवेदनशील होता है इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं। जब जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है तो ये अन्य स्थलों की ओर प्रस्थान करते हैं और शिकार की तलाश में कभी कभी यह मानव बस्ती के नजदीक आते हैं। तो मानव बस्ती के नजदीक जहां भी इसे आसान शिकार मिलता है तो वहां पर ये हमले देखने को मिलते हैं। इस बार भी जब सरयू नदी में पानी बढ़ा और उसके पूरे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति ये जुलाई प्रथम सप्ताह में ही हो गई थी और 17 जुलाई को पहली घटना यहां देखने को मिली थी जब 1 वर्ष के बच्चे को भेड़िए ने उठा करके अपना शिकार बना दिया था। इसके उपरांत ये लगातार चलता रहा। अवश्य था कि वह एक गांव में बार बार हमला नहीं करता, अलग अलग गांवों को उसने निशाना बनाया है और हमले का दायरा भी एक गैप रहा है 4 से 5 दिन का। पहली सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई शिकायत कोई भी सूचना नहीं है। 2 और 3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था, इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है क्योंकि 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहां पर एक किले हमारी यहां पर 165 की टीम वन विभाग की यहां पर है जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहां पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है
इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग की टीम ने बेहतर समन्वय से इस परिस्थिति का सामना किया है और आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा किया है। आज उन सभी पीड़ितों से मैं मिलने के लिए स्वयं भी यहाँ आया हूँ और क्या आगे की रणनीति है वन विभाग की और प्रशासन की, इस पर भी आगे विचार किया गया है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रखा है और इसलिए अगर कोई भी हानि, जनहानि होती है तो उसमें हम पीड़ित परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को घायल किया गया है तो रेबीज का इंफेक्शन न हो इसके लिए एंटी रेबीज वैनम भी उन लोगों को उपलब्ध करवाई गई है, उन बच्चों को या उन लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है जो लोग अब तक इस प्रकार के जंगली जानवरों के हमले से घायल हुए हैं। हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे प्रशासन को निर्देश दिए हैं, यद्यपि प्रदेश में अब तक हम लोग केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के 56 लाख गरीबों को पूरे प्रदेश में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है और ये जितने भी हमले हुए हैं इनमें भी अगर आपने देखा होगा कि सभी के पास अपने पक्के आवास हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो गर्मी के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से घर के बाहर सोते हैं इस सीजन में, तो उसी में जंगली जानवर को एक अवसर मिलता है। कुछ लोगों ने अपने घरों पे दरवाजे नहीं लगाए थे तो उनको वहां पर दूसरे मत से या कन्वर्जन के माध्यम से दरवाजा लगाने की व्यवस्था की गई। स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को एक एक शौचालय दिए गए थे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने शौचालय नहीं, अतिरिक्त शौचालय बनाने की भी व्यवस्था की गई। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग पर्याप्त मात्रा में हो, इसके भी प्रावधान किए गए हैं। और हमने एक और निर्देश दिया है कि जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अब तक आवास की सुविधा से वंचित है, तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को एक एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। जिन लोगों के पास अन्य सुविधाएं नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगा करके उन लोगों को ये सुविधा, आवास का है, शौचालय का है, राशन कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड का है, इन सभी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने की एक अभियान चला करके उन्हें आच्छादित किया जाए, जिससे अपनी जरूरत के लिए किसी व्यक्ति को इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े। मैंने इन सभी गांवों का भी सर्वे भी किया है और मैंने देखा है कि लोग, जनजीवन सामान्य है लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है और टीम जब तक इस खतरे को, यहाँ से मुक्त इस क्षेत्र को नहीं कर देती है, टीम यहाँ पे तैनात रह करके पूरी सतर्कता के साथ आम जनता की सेवा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज इसीलिए मैंने पीड़ितों से मिलने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और इस क्षेत्र का दौरा भी किया है और क्या आगे की रणनीति वन विभाग की और स्थानीय प्रशासन की, ये इसकी जानकारी भी दी है। धन्यवाद।